दोनों बैट्समैनों के दरमियान और एक रन रन आउट हो सकते हैं, लेकिन अंपायर डिसीजन नॉट आउट। बिल्कुल अंपायर का डिसीजन अपनी होगा, क्रॉस चार्जिंग नहीं होगी, अंपायर का फैसला हक नहीं होगा, अंपायर से ज्यादा बहस ना किए जाए, उनको अपना डिसीजन देखना नहीं, सिर्फ कैप्टन बॉल कर सकते हैं और कोई प्लेयर क्रॉस चार्जिंग नहीं कर सकेगा। कैप्टन के अलावा कोई उनके साथ बहस करेगा तो यकीनन उनको येलो कार्ड रेड कार्ड का सामना करना पड़ेगा, इसलिए उनको नॉट आउट। थर्ड अंपायर का फैसला नॉट आउट। अच्छी अंपायरी का मुजाहरा करते हुए असगर अली शेख उनका साथ दे रहे हैं। चार बॉल इस ओवर के हो चुके हैं, टू टू गो। सिफेस करेंगे सजाव भट्टी, बॉलिंग करेंगे सन्नी खान। जुनेद सजाव भट्टी की जानब से सिर्फ छह रन दिए पांच बॉल पे। अच्छा ओवर करते हुए सन्नी खान टच करके सिर्फ भागना चाहते थे, मगर उतनी अच्छी बॉलिंग और कट किया। चार रन हासिल किए सजाद भट्टी ने, दस रन दिए सन्नी खान ने अपने ओवर में, पॉइंट पे चार रन हासिल किए सजाद भट्टी ने, दस रन दिए सन्नी खान ने अपने ओवर में। एक ओवर के स्थान पर बढ़ता है स्कोर 10। इंतजार करें कब आते हैं दूसरा ओवर करने के लिए आए हैं। रन हसन अच्छे बॉलर हैं, लेकिन महमूद खान अच्छे बैट्समैन हैं, फेस करेंगे महमूद। मैच कर दो नए प्लेयर फॉर्म में है, अच्छा गार्ड देखें, चार रन मिलेंगे पॉइंट पे चौका मारा महबूब। मैंने आपको पहले बताया था दोनों प्लेयर बॉलर भी और बैट्समैन भी आजकल फॉर्म में चल रहे हैं। कादर खान बॉलिंग नहीं कर पा रहे हैं, आसिम शाह के प्लेयर बॉलर। हम ग्राउंड में वेलकम करते हैं बॉल डिब्रा और अच्छा शॉट, लेकिन रन आउट हो सकते हैं मुबा और चांस ने लिया नवे बजे में। अच्छी फील्डिंग साथ की जानब से ऐसा सामना करेंगे महबूब। चुके हैं महबूब का अच्छा करना चाहते थे, मगर पीछे कीपर के हाथ में अच्छा कैच कैप किया शाहान ने। महबूब की सूरत में बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा शशांक सिंह। नए आने वाले बैट्समैन अंश भाई सबूत लेकर चल रहा, अच्छे बैट्समैन है, देखते हैं क्या कर पाते हैं अपनी टीम के लिए। वाइड बॉल एसएन की जानब से, मामला
कुछ भी हो सकता था अगर कैच होता था।